जय हिंद दोस्तों, यूपीएस हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, जो मेस विंटरशिप का जो कार्यक्रम है उसमें आज हम लोग एसए पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। एसए बेसिकली आपको यूपी पीसीएस में 600 से 700, मान लो मैक्सिमम 700 से आप 800 भी लिख सकते हो, पन्ने इतने मिल जाते हैं, 800 शब्दों में लिखना होता है। यूपीएससी में आपको 1000 से 1200 शब्दों में, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायरमेंट होती है यूपीएससी यूपी पीसीएस की। यूपी पीसीएस में 3 घंटे में आपको 3 एस्से लिखने होते हैं और यूपीएससी में आपको 3 घंटे में 2 एस्से लिखने होते हैं। तो मेजर यही डिफरेंस है यूपीएससी और यूपी पीसीएस के एस्से के, आप कह सकते हो, वर्ड लिमिट का। अब मैं बात करूँ जो मेजर डिफरेंस वो ये है यूपीएससी वर्सेज यूपी पीसीएस में। तुरंत रिवाइज करा के मैं ऐसे आपसे डिस्कशन करूँगा कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे मैंने किया। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं बनाऊँगा, तो आप लोग देख के अपने आप समझेंगे चीज़ों को। यूपी पीसीएस में ऐसे डायरेक्ट आते हैं, बेसिकली डायरेक्ट सीधे सीधे, जैसे कोविड-19 ऐसे ऐसे आएगा, कोविड-19 आपदा या अवसर, सीधे ये ऐसे आएगा। 21वीं सदी में जाति प्रथा परिवर्तनीयता, तो सीधा ऐसा ऐसे आएगा डायरेक्ट, जिसमें आपके पास डायरेक्ट कंटेंट होगा और डायरेक्ट आप आंसर लिख दोगे। यूपीएससी में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा जिस नदी पर आप उतर चुके हैं दोबारा वही नदी नहीं बसती, ऐसा वाला ऐसे आएगा कि जो नाव है वह बंदरगाहों पर, तो आपने देखा होगा यूपीएससी का पेपर, नाव बंदरगाहों पर सुरक्षित रहते हैं परंतु वह उसके लिए नहीं बने। तो यूपीएससी का प्रश्न अपने आप में ऐसा घुमाऊ प्रश्न आएगा कि आपको सोचना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है कि यार हमें लिखना क्या है। तो मैं आपको अभी यूपीएससी का एक ऐसे का टॉपिक डिस्कशन करूंगा, ठीक है। कंटेंट जो इसका है उसको आप यूपी पीसीएस या कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली मैंने लिखा था जब मैं यूपीएससी का मॉक टेस्ट दे रहा था, तो मैंने ये प्रश्न लिखा था ताकि मुझे आइडिया लगे कि मैं ऐसे लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ। लेकिन जो स्ट्रक्चरिंग है, जो तरीका है, जो कंटेंट है, वो आप यूज कर सकते हैं यूपी पीसीएस में भी। तो दोनों लोग ये वीडियो देखेंगे, चाहे आपको यूपीएससी देना है चाहे यूपी पीसीएस देना है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये जो ऐसे की पीडीएफ है वो मैंने यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल t.me/upscihindi4cs, ये टेलीग्राम चैनल पे आपको ये वाले ऐसे पीडीएफ ऑलरेडी मिल जाएगा, मैंने शेयर कर दिया, पहले से शेयर कर दिया। तो अब देखिए, पहले प्रश्न देखिए, तो ऐसे जब आप लिखिए सबसे पहले मैं कुछ एरर्स बता देता हूँ जो स्टूडेंट कर देते हैं। पहली बात, ऐसे के पेपर में आपको 3 घंटे में 3 लिखना है यूपी पीसीएस में, 3 घंटे में 2 लिखना है यूपीएससी में। तो सबसे पहले पन्ने एक बार काउंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जब यूपीएससी का पेपर लिख रहे हैं तो आपको आधा घंटा ऐसे के स्ट्रक्चरिंग में देना चाहिए, स्ट्रक्चरिंग में ऐसे का संरचना बनाने में आपको आधा घंटा समय देना चाहिए। इसके बाद 1 घंटे में आप आराम से 1000 से 1200 शब्द आराम से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सीधी बात समझिए, इसी तरह से यूपी पीसीएस में 15 मिनट आप पर ऐसे स्ट्रक्चरिंग में दे सकते हैं। पहले प्रॉपर पहले सोच लीजिए कौन कौन से पॉइंट्स इस ऐसे में करने हैं, कितने डायमेंशन होने चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या करूँगा, कंक्लूजन में मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा। तो पहले ये चीज़ें सोच लीजिए, मेन बॉडी में कितने डायमेंशन होंगे, क्या कंक्लूजन होंगे, सबसे पहले हम सोच लेते हैं। हम इसको कहते हैं रफ वर्क, तो हम रफ वर्क करते हैं। मैं एक बार देखता हूँ, मैंने शायद रफ वर्क की फोटो नहीं अपलोड की है, अगर करता तो मैं उसको मिलेगा तो मैं उसको अपलोड कर दूँ। हाँ, मैंने रफ वर्क की फोटो नहीं अपलोड की है, ठीक है। तो आप इधर सोचिए, सबसे पहले आप रफ वर्क कीजिए, उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग कर लीजिए। क्यों, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो देखिए जो ऐसे होता है, मैं एक पन्ना ओपन कर लेता हूँ सादा, देखिए ऐसे की कुछ डिमांड्स होती हैं अपनी, ठीक है, अपनी इनकी कुछ डिमांड्स होती हैं। जैसे पहली डिमांड आप कह सकते हैं ऐसे में फ्लो होना चाहिए, ये फ्लो बहुत इम्पॉर्टेंट डिमांड है, बहुत इम्पॉर्टेंट डिमांड है। अब कैसे ही आता है, आप अगर जीएस का आंसर देखेंगे तो जीएस में आप 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे लिख देते हैं, एकदम सडनली ब्रेक हो जाता है। लिखेंगे कि मान लो पूछा है कि मौर्य शासन की विशेषता बताओ, तो मौर्य शासन की विशेषता आप पहले लिखेंगे कि क्या कहते हैं, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, ऐसे आप सीधे सीधे, ठीक है। आप प्रॉपर छः वो क्या कहते हैं विशेष भागों में बटा, आप प्रॉपर इसको ऐसे बता देंगे, ऐसे अजीब तरीके से, मतलब डायरेक्ट टू द पॉइंट, बटा पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे की क्योंकि डिमांड होती है, देखिए ऐसे को हिंदी में कहते हैं निबंध, निबंध का मतलब होता है जो बांधे, ठीक है, बांधे। अब बात यह है कि ऐसे ऐसा होना चाहिए जो एग्जामिनर को बांध के रखे, एग्जामिनर को
इमोशन, जो इमोशन एग्जामिनर के दिमाग में चल रहे हैं, जो उसके दिमाग में कंटेंट चल रहा है, इमोशन प्लस कंटेंट, दोनों का फ्लो एकदम बना रहे, एकदम फ्लो मेंटेन रहे, एकदम प्रॉपर ऐसे फ्लो में चल रहा है एग्जाम, तो वो ऐसे आपका बेस्ट माना जाता है। ठीक है, वो ऐसे बेस्ट माना जाता है जिसमें एकदम फ्लो बना रहे। तो ये बात समझेगा, तो ऐसे में ये डिमांड बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कि फ्लो बना रहे। जो दूसरी मेजर डिमांड होती है ऐसे में, वो ये होता है, आपको ये बात समझना पड़ेगा, आप जो बातें कह रहे हैं, बातें कह रहे हैं ऐसे में, जो पॉइंट्स रख रहे हैं, जो डायमेंशन रख रहे हैं, वो क्या हो, वो ऑथेंटिकेटेड हो। ठीक है, ऑथेंटिक, बेसिकली ऑथेंटिक। और ऑथेंटिक कैसे आप प्रूव करते हैं, तो आप कोई डेटा देते हैं, डेटा का सोर्स बताते हैं कि भैया मैंने ये डेटा इस सोर्स, जैसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार भारत में 2 करोड़ लोग, ठीक है, 2 करोड़ लोग क्या ड्रग्स की समस्या से पीड़ित हैं। आपने क्या ऑथेंटिकेशन किया, फिर जो आप बातें कह रहे हैं, दूसरी चीज़ क्या जरूरी होती है, दूसरी चीज़ होती है कुछ कोटेशन, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज, रियल केस स्टडीज, जो ऐसे का न केवल फ्लो बनाती है बल्कि एग्जामिनर को बांधे रखती है। ठीक है, एग्जामिनर को बांधे रखती है। सीधी बात है, क्यों बांधे रखेगी भाई, आपने प्रॉपर बताया कि गांधी जी भी ऐसा कहते थे, तो वो क्या हुआ, लगा एग्जामिनर क्या, इसको आपका नॉलेज भी दिख रहा है, आपकी ऑथेंटिक जानकारी दिख रही है कि हाँ आप गांधी जी को कोट करें, आप अम्बेडकर को कोट करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ रिक्वायरमेंट है ऐसे की। अब हम एक ऐसे से देखते हैं, चीज़ें समझते रहेंगे, मैं कई वीडियोस बनाऊंगा ऐसे पे, यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए अलग अलग भी बनाऊंगा। ये बस शुरुआत है, पहले दिन में हो सकता है आपको सारी चीज़ें ना समझ में आए, लेकिन हाँ इतना मैं श्योर हूँ कि आप अगर ये ऐसे वाला कंप्लीट कोर्स देखेंगे, जो कि फ्री रहेगा, इसकी एक भी पैसे नहीं लगेंगे आपके, ठीक है, ये मेंस मेंटरशिप में एकदम फ्री रहेगा, तो आपको सारी चीज़ें एकदम समझ में आ जाएंगी। तो एक बार प्रश्न देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्न ये है, संसार का नाश बुरा करने वालों से नहीं होगा बल्कि मूक दर्शक इसका कारण बनेंगे। तो स्टेटमेंट एक कह रहा है, ये आप देखेंगे, ये एक कथन दे दिया कि जो संसार का नाश है, जो बुरा कर रहे हैं उनके कारण नहीं होगा, बल्कि जो बुरा देख रहे हैं, मूक दर्शक बने, भैया बुरा हो रहा है आपके सामने और आप मूक दर्शक बने हैं, तब इसका नाश होगा। जो मूक दर्शक हैं वो बड़े कारण हैं। अब मैंने कहा हमें चाहिए होता है फ्लो, हमें चाहिए होता है इमोशन, इमोशन मैंने कहा ये डिमांड है, इमोशन प्लस फ्लो, ये ऐसे की डिमांड है। तो इंट्रोडक्शन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जब आप ऐसे लिखते हो तो देखो ऐसे के 3 पार्ट्स होते हैं मेनली, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन, ये 3 पार्ट होते हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, कोई भी स्टूडेंट जब ऐसे लिखेगा तो ये अलग अलग दिखाएगा नहीं कि इंट्रो पहले हेडिंग डाली फिर उसके बाद पॉइंट्स बताई, ये काम नहीं करना है। मेन बॉडी हेडिंग डाली फिर पॉइंट्स बताई, ये काम नहीं करना है। कंक्लूजन हेडिंग डाली फिर पॉइंट्स बताई, नहीं, ये हेडिंग सब हेडिंग ये कत्ता ही नहीं दिखना चाहिए एस्से में या जीएस के आंसर में, ये क्लास 10th में या जब 6th 7th में लिखते थे ऐसे तब दिखता था, तब क्योंकि आप सीख रहे होते थे। अभी आपको ऐसे ऐसा लिखना है कि वो बांधे रखे एग्जामिनर को, प्रॉपर वो आपको एग्जामिनर को एकदम बांधे रखे। तो इंट्रोडक्शन का एक तरीका होता है कहानी। अब कहानी में भी मैं आपको कुछ कहानियां बताता हूं जो आप ऐसे में यूज कर सकते हैं। एक है कौरव पांडव की कहानी, कौरव गौरव नहीं, ध्यान रखिएगा, गौरव और कौरव में बहुत अंतर है, जितना अंतर जमीन और आसमान में है उतना ही अंतर कौरव और गौरव में है। ठीक है, तो कौरव और पांडवों की कहानी एक बहुत फेमस कहानी है। दूसरा महाभारत युद्ध की कहानी, ठीक है, महाभारत युद्ध की कहानी। इसके बाद तीसरा, मैं एक एक कहानी आपको बता रहा हूँ, तीसरा अशोक कलिंग युद्ध की कहानी, ठीक है, कलिंग युद्ध की कहानी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो तेनालीराम, ठीक है, तेनालीराम और क्या नाम है, कृष्णदेव राय। तो मतलब आपको कोई बात कहनी है ना, तो आप इनके कहानियों के माध्यम से कह सकते हो। अच्छा, वो जरूरी नहीं है कि कहानी वास्तविकता में हुई हो, ऐसा एकदम जरूरी नहीं है। आप अपने मन से उस फॉर्मेट को लेके कहानी तैयार कर सकते हो कि यार ऐसा ऐसा हो रहा था। एक बहुत फेमस कहानी है कि एक रूम में 3 हाथी हैं, सॉरी एक हाथी है और 3 अंधे हैं, ठीक है, एक बहुत फेमस कहानी, इसको ध्यान रखिएगा कहानी को। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स की ऐसे की डिमांड क्या है, वो अभी हम समझेंगे समय के साथ साथ कि ऐसे की डिमांड के अनुरूप कहानी होनी चाहिए। नो डाउट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो दिमाग में आया वही कहानी लिख दी, ऐसे में पूछा कुछ और था हम लिख दिए कुछ और, ये काम करते ही नहीं करना है। ठीक है, ऐसे की डिमांड के हिसाब से कहानी लिखनी है। तो आप देखेंगे एक कमरे में एक हाथी है और 3 अंधे हैं, ठीक है, 3 अंधे वहाँ पे खड़े हैं। एक ने उसकी सूंड पकड़ी तो पूछा कि भैया हाथी कैसी होती है, तो लोगों ने उससे पूछा, तो उसने बताया हाथी सांप की तरह होती है, सूंड पकड़ के उसने बताया। एक ने उसके कान पकड़े, उससे बताया हाथी क्या होती है, पत्ते की तरह होती है, क्योंकि कान पकड़ के बताया,
ठीक है, तो आप समझ रहे, तो ये वाला है, एक ने उसका क्या पकड़ा, पैर पकड़ा या दांत पकड़ लिया होगा, तो हाथी ने उसको मार डाला होगा, नहीं ऐसी नहीं है, दांत पकड़ के सुनता, हाथी पत्थर की तरह होती है, इस बात को समझिएगा। तो अलग अलग देखने का नजरिया, तो चीजों को देखने का आपका नजरिया होता है वो इस कहानी से पता चल रहा है। तो बहुत सारी कहानियों का फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ, कौरव पांडव, महाभारत युद्ध, अशोक कलिंग युद्ध, तेनालीराम कृष्णदेव राय, भारत के किसी गांव की कहानी, वो हम समय के साथ देखते रहेंगे, दो चार और एग्जांपल करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, कौरव पांडव की कहानी स्टार्ट की, कह रहा संसार का नाश। अब याद होगा आपको कौरव पांडव में क्या हो रहा था, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी का चीरहरण, ठीक है, ये बात समझिए। आप देखिए कैसे मैच कर गई कहानी एकदम, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, धृतराष्ट्र से बार बार कहा गया भैया बचा लो, तुम्हारे दरबार में गलत काम हो रहा है। धृतराष्ट्र क्या किए, अंधापन है ना, अंधे बने रहे, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, मूक दर्शक बने रहे। और ये जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ, बाद में कितने बड़े महाभारत युद्ध का कारण बना, जो कि पूरा कौरवों का विनाश कर दिया, कौरवों का विनाश कर दिया। तो यही तो कह रहा है, संसार का नाश बुरा करने वालों से नहीं, तो बुरा कौन कर रहे थे, दुर्योधन, शकुनी, यही तो बुरा कर रहे थे, सारे के सारे क्या कर रहे थे, बुरा कर रहे थे। लेकिन मूक दर्शक कौन था, धृतराष्ट्र और पूरा राजदरबार। राजदरबार में बहुत बड़े बड़े लोग थे, बहुत फेमस लोग थे, जैसे भीष्म, ठीक है, इसके अलावा आपके द्रोणाचार्य, ये लोग राजदरबार में थे। इन लोगों को क्या चाहिए था, कायदे से इन लोगों को रोकना चाहिए था कि भैया तुम गलत कर रहे हो यार, ऐसे थोड़ा ना किसी के बहू बेटी के साथ ऐसा सम्मान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इन्होंने रोका नहीं, इन्होंने देखा खाली, और क्या हुआ, संसार का पूरी तरह से विनाश हो गया, ठीक है, पूरा कौरव सम्राट नष्ट हो गया। तो मैंने देखिए इसी तरह से एक कहानी से स्टार्ट किया, मैंने लिखा कौरव के राज दरबार का एक दृश्य, घृत कीड़ा, घृत कीड़ा का मतलब वही क्या बोलते हैं उसको, जुआ, इसको घृत कीड़ा हिंदी में बोलते हैं। मैं शकुनी गलत लिख दिया मैंने, शकुनी के प्रपंच के कारण। अच्छा, जो एक बात और बतानी है, निबंध में बांधने के लिए शब्दों का चयन, तो तीसरा पॉइंट ये भी नोट कर लेगा, तो इमोशनल फ्लो और शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा शब्द हो, थोड़ा शब्दों के साथ आपको खेलना आना चाहिए। हाँ, इसके लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको करनी पड़ेगी कि शब्द ऐसे लिखिए जो कि एग्जामिनर के दिमाग में हिट करें। आप देखेंगे मैंने कहानी को प्रॉपर शुद्ध हिंदी और शब्दों के साथ गेम खेल के किया, जैसे घ्यूत कीड़ा मैंने यूज किया, शकुनी के प्रपंच के कारण, प्रपंच शब्द, पांडव निरंतर हारते रहे, तो क्या हुआ, शकुनी ने बहुत प्रपंच किया, बहुत खल किया और पांडव निरंतर हारते रहे। अंततः पांडव ने क्या किया, अंतिम दांव के रूप में अपने कुल के सम्मान और अपनी पत्नी द्रौपदी को ही दांव पर लगा दिया। ये ध्यान रखिएगा, ये मैं चाहता तो ये लिख देता, अंतिम दांव के रूप में अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, लेकिन मैंने क्या किया, इस बात को थोड़ा और इमोशनल, थोड़ा इस बात में आप कह सकते हैं इंटेंसिटी बढ़ाई। जब मैं कुल का सम्मान ये शब्द यूज कर रहा हूँ तो लग रहा है हाँ यार, ये इंट्रोडक्शन में इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो इंटेंस, ऐसे शब्दों का चयन करना है जो आपका चीज़ों का इंटेंसिटी बढ़ाए, जो एग्जामिनर को फील दिलाए कि हाँ यार आप योग्य हैं, ठीक है। सभी दरबारी केवल मूक दर्शक बन के रहे तथा किसी ने इस अन्याय को नहीं रोका, ठीक है। तो आप देखेंगे सभी दरबारी, अंततः पांडव द्रौपदी को भी हार गए। इतना ही नहीं, भरी दरबार में अन्याय, निर्लज्जता, स्त्री सम्मान को चोट पहुंचाते हुए द्रौपदी का चीरहरण प्रारंभ हुआ। आप देखिए इस बात को समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि मैंने प्रॉपर इन शब्दों का यूज किया, अन्याय, निर्लज्जता, स्त्री सम्मान, ये सब प्रॉपर मैंने बताया। रोकने का कोई नहीं किया तथा इनको भी बताया मैंने, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, भीष्म जैसे संघर्ष करने वाले, जो न्याय के पक्ष में संघर्ष करते थे, ये भी मूक दर्शक बनकर रहे। तो मैंने अब एकदम देखो जो डिमांड थी प्रश्न की डिमांड थी, वहीं से मैंने डायरेक्ट ऐसे को एकदम जोड़ दिया, सीधा ऐसे वहीं से मैंने जोड़ दिया। तो इस बात को आप समझिएगा दोस्तों, हम लोग का ध्रुव का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है, यूपीएससी यूपीपीसीएस का, वो स्टार्ट हो चुका है, नया बैच 18 जून से स्टार्ट है। तो जो लोग 2023 या 24 दोनों मेंस की तैयारी कर रहे हैं, फीस एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है 23-24 बैच में, केवल और केवल क्या है, समय का अंतर है। 2023 बैच में जल्दी जल्दी खत्म की जाएगी, 2024 बैच में आराम स्लो पेस में खत्म की जाएगी। तो बस यही है, और 2024 बैच में 2024 का करंट अफेयर्स अपडेट किया जाएगा जब लास्ट में होगा। तो नया बैच 18 जून से स्टार्ट है, ये 5 जून वाले बैच का पोस्टर है। इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इसके बारे में सारी डिटेल्स ले सकते हैं, बहुत ही शानदार कोर्स है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी साहित्य भी नया बैच स्टार्ट हुआ 4 जून से, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत शानदार हिंदी साहित्य को भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया, बुरा करने वाले कौरवों ने तो अन्याय की आधारशिला ही रखी थी। अब मैंने इस बात को बोला, मैंने कहा देखो कौरवों ने क्या किया, अन्याय की आधारशिला रख दी, भाई बुरा कर रहे हैं, वो खल प्रपंच से जीत रहे हैं, ठीक है, घ्यूत क्रीड़ा में जीत रहे हैं, लेकिन दरबार में सभी की मूकदर्शिता, ठीक है, समझिएगा, सभी जो थे दरबारी जितने थे सबने मूक दर्शक बन के उस चीरहरण को देखा, उसने महाभारत युद्ध की विभीषिका के रूप में सामने आई जब कौरव वंश का विनाश हो गया। तो मैंने देखिए एकदम मूक दर्शक और विनाश को एकदम डायरेक्ट जोड़ दिया है,
ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब एक चीज और आती है, ऐसे में हमें फ्लो बनाए रखना है, ध्यान रखिएगा, मैंने कहा बांधे रखना है एग्जामिनर को। तो बांधे रखने के लिए बहुत तरीके होते हैं। कई बार क्या होता है ना, आप डायमेंशन देखो, बांधने के लिए और ऐसे को इनरिच करने के लिए दोनों काम करना है, हमें इनरिचमेंट भी करना है, एग्जामिनर को बांधे भी रखना है। तो दोनों काम के लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ में मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखते हैं, बहुत सारे डायमेंशन टच करते हैं ऐसे के। अब बात यह आती है ना, कई बार हम मल्टी डायमेंशन लिखने के चक्कर में भूल जाते हैं कि प्रश्न की डिमांड क्या है, प्रश्न में क्या पूछा था। इसका एक तरीका होता है, जैसे कई टॉपर्स ही बात कहते हैं कि बार बार ऐसे को आप एक पैराग्राफ लिखो, ऐसे का टॉपिक बार बार देखो, संसार का नाश बुरा करने वालों से नहीं होगा बल्कि मूक दर्शक इसका कारण बनेंगे, बार बार आप देखो, एक पैराग्राफ लिखो फिर इसको देखो, फिर लिखो फिर देखो। एक तरीका यह है, टॉपर्स जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं, मुझे इस तरीके में कोई खामी नहीं नजर आती है, ताकि आपका बेसिकली फ्लो बना रहे और ऐसे की जो डिमांड है उस पर आप चिपक सकें, ठीक है। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है ऐसे की डिमांड से भटक के आपको एग्जाम में आंसर नहीं लिखना है। इसका दूसरा तरीका यह है कि आप इंट्रोडक्शन के बाद ही कुछ क्वेश्चन उठा दीजिए। जब क्वेश्चन उठा रहे हैं तो बार बार ऐसे देखते रहिए, बार बार ऐसे के टॉपिक को पढ़िए, बार बार ऐसे के टॉपिक को पढ़िए और क्वेश्चंस कुछ क्रिएट कर दीजिए। इसके बाद क्या होगा, आपका ऐसे खत्म हो जाएगा, आपको केवल इन क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। फिर आपका क्या मेन डिमांड क्या रह जाएगी, केवल इन क्वेश्चंस का आंसर देना ही आपका मेन प्रश्न की मांग रह जाएगी और आपको कुछ करना नहीं। तो मैंने क्या किया, सीधे प्रश्न उठा दिया। ऐसी कहानी के बाद प्रश्न उठता है कि क्यों बुरा करने वाले नहीं बल्कि मूक दर्शक संसार के नाश का कारण बनेंगे, पहला क्यों ऐसा होगा, फिर क्या मूक दर्शनों में चेतना का सृजन किया जा सकता है, मैंने दूसरा डायमेंशन रख दिया, क्या मूक दर्शक के अंदर भी चेतना जगाई जा सकती है कि भैया वो मूक दर्शक ना बने रहे, अभी जो वर्तमान समय है भैया मूक दर्शक ना बने रहे, क्या संसार में बुरा करने वालों पर रोक संभव है। तो भैया एक और तो ऐसे की डिमांड थी कि बुरा करने वालों से नहीं, संसार का नाश एक बुरा करने वालों से ये था, तो मैंने एक क्वेश्चन इससे उठा दिया। दूसरा बोला मूक दर्शक कारण बनेंगे, तो मैंने कहा क्यों बनेंगे। फिर मैंने तीसरा एक पॉइंट क्रिएट कर दिया कि क्या इनको जो मूक दर्शक है इनको बुलवाया जा सकता है, कुछ ऐसा काम किया जा सकता है कि इनके अंदर चेतना का सृजन हो जाए और ये बोलने लगे। तो देखिए फिर मैंने पूरा ऐसे क्या किया, इसी आंसर को लिख दिया और ऐसे मेरा कंप्लीट हो गया। और इस ऐसे में मेरी फर्स्ट रैंक थी प्रॉपर, तो मेरी फर्स्ट रैंक थी। तो आप इस तो समझिएगा बहुत अच्छा आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस निबंध में आगे बढ़ते हुए यदि पहले प्रश्न पर विचार किया जाए, फिर मैंने प्रश्न लिखा फिर आंसर लिखा डायरेक्ट, फिर देखिए प्रश्न आंसर असमानता निरंकुशता को भेड़ चाल से युक्त होकर, अब प्रॉपर आप पढ़ेंगे ना, तो मैंने क्या किया इसको कई डायमेंशन में तोड़ दिया, ऐतिहासिक तौर पर क्यों ऐसा किया जाता है, सामाजिक रूप से ऐसा क्यों होता है, देखिए मैंने कई डायमेंशन में लिख दिया है, फिर पर्यावरणीय और बीच बीच में कनेक्शन कनेक्टिंग वर्ड, देखिए न केवल ये लेकिन वो, ऐसे कनेक्टिंग वर्ड से क्या होता है ऐसे का फ्लो मेंटेन रहता है। देखिएगा कि कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जैसे न केवल, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार, ऐतिहासिक तौर पर भी, तो ये क्या होते हैं, ये कनेक्टिंग वर्ड होते हैं जो ऐसे का फ्लो मेंटेन रखते हैं। तो इन कनेक्टिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस आपको करनी है। और देखेंगे मैंने बहुत ही डायमेंशन, मतलब बहुत सारे डायमेंशन क्रिएट किए, जर्मनी इटली वर्ल्ड हिस्ट्री से डायमेंशन में आंसर दिया है। फिर मैंने आप देखेंगे सोशल इशूज, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इस पर भी मैंने पूरा प्रॉपर आंसर दिया है। फैक्ट भी यहाँ पर दिया है, एनसीआरबी का आंकड़ा भी दिया है, ठीक है। आप देखिए पर्यावरण में भी मैंने प्रॉपर फैक्ट देख के कार्बन असमानता इनको बारे में बताया है, आईपीसीसी की छठवीं आकलन रिपोर्ट भी बताई है। फिर इसी प्रकार प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्रों में भी बताया है, भ्रष्टाचार, क्रोनी कैपिटलिज्म एग्जांपल्स के साथ, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट को भी मैंने प्रॉपर इस बात को बताया है, कोट किया है। तो आप देखेंगे प्रॉपर, मतलब सही तरीके से करंट एग्जांपल लेके भी, यूक्रेन रूस युद्ध, भैया यूक्रेन रूस युद्ध में बुरा जो भी कर रहा हो, रूस बुरा कर रहा हो चाहे यूक्रेन बुरा कर रहा हो, कोई भी बुरा कर रहा हो, मेजर प्रॉब्लम कब आती है, मेजर प्रॉब्लम एक पूरा संसार मूक दर्शक बना हुआ है, ठीक है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, ठीक है, इंडिया चुप है, चाइना चुप है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, केवल यही इशू नहीं उठाया, उइगर मुस्लिम चाइना को भी घेर दीजिए बैठे बैठे। तो देखिए प्रॉपर एग्जांपल दिया कि संयुक्त राष्ट्र, क्वाड, एससीओ सब मूक दर्शक बने हुए हैं प्रॉपर। फिर सेकंड क्वेश्चन पे आया मैंने, फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया, तो आप देखेंगे प्रॉपर सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया है कि मूक दर्शकों के बाद कैसे क्रांति चेतना जगाई जा सकती है, ठीक है, गांधी जी ने कैसे जगाया था ऐतिहासिक रूप से, ठीक है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एमकेएसएस वर्तमान में कैसे जगाता है, ठीक है। तो प्रॉपर मैंने ये बताया था कैसे ये काम किया जा सकता है मूक दर्शकों को जाने के अलावा। इसके बाद आप देखेंगे है ना, फिर मैंने क्या किया यहाँ पर बीच बीच में कोटेशन भी लिखा, प्रॉपर कोटेशन भी लिखा, जब तक मनुज का या सुभाग नहीं सम होगा, समित ना होगा, कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा। मैंने कहा भैया समानता जरूरी है, समानता जरूरी है, ठीक है, इसीलिए बुराई और संघर्ष जन्म हो रहा है। तो मेनली हम क्यों ना बुरा करने वाले और बुराई और संघर्ष को ही समाप्त कर दें, तो मैंने कहा समानता बहुत जरूरी है, तभी बुरा और बुराई खत्म होंगे। तो आप देखेंगे फिर मैंने निष्कर्ष लिखा है प्रॉपर, है ना, निष्कर्ष
निष्कर्ष लिखते समय भी, ठीक है, निष्कर्ष लिखते समय भी आप देखेंगे मैंने गांधी जी का कोटेशन यूज किया है, ठीक है, प्रॉपर कोटेशन यूज किया है, और फिर कंक्लूजन करते करते जो कहानी से स्टार्ट किया था, तो ये भी देखिए एक तरीका है बांधने का, जिस कहानी से स्टार्ट किया था उसी कहानी के फॉर्मेट में एंड कर दिया। जिस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा, तो मैंने कहा भैया वहां पे चीरहरण हो रहा था लेकिन श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सहायता दी थी और चीरहरण रोका था, उसी प्रकार मूक दर्शकों में भी अगर जागरूकता और चेतना का सृजन करेंगे तो यहाँ पे चीरहरण रुक जाएगा और संसार का विनाश होते होते बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्रॉपर ये स्ट्रक्चरिंग होती है, इस ऐसे को एक बार पढ़िए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। मैं वापिस अब प्रॉपर अब क्या करूँगा, एक तो मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं क्या करूँगा समय के साथ साथ अलग अलग तरीके की इंट्रोडक्शन के ये तरीके होते हैं, मेन बॉडी के ये तरीके होते हैं, अब आपसे थोड़ा डिस्कशन डिटेल में ऐसे पे करूँगा, प्रॉपर क्लासेस चलाएंगे ताकि आपको ऐसे में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा ऐसे। जय हिंद, जय भारत।